दोस्तों आपका स्वागत है श्री ओम चैनल में। आज हम बात करेंगे सपने में मेडिसिन यानी कि दवा देखना कैसा होता है। दवाई, कैप्सूल, गोली हम इसे कहते हैं, सिरप, कई तरह से हम इसे जानते हैं। तो यदि हम ऐसा सपना देखते हैं, इसके बारे में सपना देखते हैं, तो ये क्या संकेत करता है। दोस्तों हमें गहरी नींद में कई तरह के सपने आते हैं और हम सोचते हैं कि ये क्या संकेत लेके आए हैं, लेकिन ये हमें कुछ ना कुछ सचेत करने या आगाह करने के लिए आते हैं जब हम गहरी नींद में कोई सपना देखते हैं। तो यदि हमने कैप्सूल, दवाई, गोली का सपना देखा है तो ये क्या बताना चाहता है, इसका संकेत जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, आपका सहयोग मेरे लिए अमूल्य और महत्वपूर्ण है। तो यदि दोस्तों आपने मेडिसिन या दवाई को सपने में देखा है तो यह अच्छा संकेत नहीं है। यह सपना आपको इसलिए आया है क्योंकि आपको सचेत होने की आवश्यकता है और अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतना है। और यह सपना संकेत देता है कि आने वाले समय में किसी कारण से, या तो लापरवाही के कारण से या किसी न किसी कारण से, आपको किसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। वह किसी भी तरह की कोई बीमारी हो सकती है, आपकी सेहत बिगड़ सकती है या हेल्थ कोई इशू उभर सकता है। तो आपने मेडिसिन का सपना देखा है तो आपको सचेत हो जाने की आवश्यकता है, यह सपना ये संकेत देता है। यदि आप सफ़ेद रंग की गोली या कैप्सूल देखते हैं तो आपको सचेत होने की आवश्यकता है, सावधान होने की आवश्यकता है। आने वाले समय में आपको किसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। यह सपना ये भी संकेत देता है कि आपको अच्छा फील नहीं होगा, डिजीनेस होगी और आपको फिजिकली फिट फील नहीं होगा यदि आपने मेडिसिन का सपना देखा है तो। मेडिसिन या दवाई का सपना ये भी संकेत देता है कि आपको आने वाले समय में किसी परेशानी या चिंताओं से होकर गुजरना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों यदि आप देखते हैं मेडिसिन या दवाई को खरीदते हुए तो यह सपना संकेत देता है कि आपको आपके कार्य और व्यवहार में, आपकी हैबिट्स में सुधार करने की आवश्यकता है। किसी ऐसी हैबिट या आदत की वजह से आपको आपके आने वाले समय में कोई नुकसान या आपको किसी लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो ये संकेत देखने पर आपको सचेत होकर कार्य करने की आवश्यकता है। वहीं यदि आप दवा को खाते हुए देखते हैं तो यह सपना संकेत देता है कि आने वाले समय में आप जो भी कार्य करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो भी आप एफर्ट लगा रहे हैं अपने कामों में, उससे आपको परिणाम अच्छा मिलेगा और आपको लाभ होगा। वहीं यदि दोस्तों आप देखते हैं कि मेडिसिन मिल नहीं रही है, दवाई गुम गई है और आप उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह सपना बताता है कि आपकी लापरवाही की वजह से आपको किसी कार्य में हानि उठानी पड़ सकती है। तो कोई भी कार्य को आप सावधानीपूर्वक करने की कोशिश करें। यदि आप देखते हैं मेडिसिन की दुकान देखते हैं आप, दवाई की दुकान सपने में, तो यह सपना संकेत देता है कि आने वाले समय में आपको किसी आर्थिक समस्या या किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, आपको किसी मेंटल स्ट्रेस या तनाव से भी गुजरना पड़ सकता है। वहीं यदि दोस्तों आप देखते हैं कि दवाई को खरीद रहे हैं, मेडिसिन को आप खरीद रहे हैं, तो यह सपना संकेत देता है कि आने वाले समय में आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं या किसी वजह से आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, आपको पास या दूर की कहीं ना कहीं यात्रा पर या स्थान परिवर्तन का अवसर मिल सकता है। यदि आप सपने में देखते हैं कि दवाई को बेच रहे हैं तो यह अच्छा सपना है, यह आपके कारोबार में, व्यापार में या आपके कामकाज में उन्नति, तरक्की और किसी नए काम को शुरू करने का संकेत है जिससे कि आपको लाभ मिलने की सूचना है। तो दवाई को, मेडिसिन को बेचते हुए देखना एक अच्छा सपना है। यदि आप देखते हैं सपने में किसी को मेडिसिन दे रहे हैं, दवाई को देते हुए देखते हैं किसी को, तो यह भी अच्छा सपना है। यह सपना बताता है कि आने वाला समय आपके लिए शुभ होगा और आपको लाभ या धन की प्राप्ति हो सकती है कहीं ना कहीं से किसी रूप में। यदि दोस्तों इसका मनोवैज्ञानिक कारण जानने की कोशिश करें तो वास्तविक जीवन में किसी परेशानी से जूझ रहे हैं और उसका हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं,
तो इस वजह से भी मेडिसिन का सपना आ सकता है, या आप किसी कारण से किसी ऐसी आदत में फंस गए हैं जो कि आपको पता है कि यह सही नहीं है और उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं पर रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तब भी आपको दवाइयों का या मेडिसिन का सपना आ सकता है। अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग इसके संकेत जानने को मिल सकते हैं, तो इसके संकेत अपने परिस्थिति के अनुसार जानकर उनसे आपको हल खोजने और समस्या का समाधान करने की कोशिश करना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका सहयोग मेरे लिए अमूल्य और महत्वपूर्ण है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू।